मलाड मालवनी की सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने डॉग पर फेंका एसिड। मालवनी पुलिस स्टेशन में हुआ मामला दर्ज। कोविड सेंटर स्कैम में बिजनेसमैन सुजीत पाटकर को मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया। ईडी ने पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया था। ईओडब्ल्यू ने उन्हें अपने ताबे में लिया। घरफोड़ी चोरी के केसेस सॉल्व कर एक महिला को गिरफ्तार किया। विरार पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने 9 लाख से ज्यादा का माल किया बरामद। कलेना के फिटनेस किंगडम जिम पर लगा ताला, ओनर पर करोड़ों गबन करने का आरोप। वाशी में पुलिस ने सर्विस रिवॉल्वर लहराकर बिजी सड़क पर दो लोगों के हत्या के प्रयास को नाकाम किया। नवी मुंबई से वायरल हुआ वीडियो। नागपुर से हैरान कर देने वाला वीडियो हुआ वायरल। बाइक को 3 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जाते हुए दिखा कार ड्राइवर। खड्डों में लगाया कमल का फूल, मन से वर्कर का अनोखा आंदोलन। खड्डे रहेंगे कमल खिलेगा का नारे लगाए। मुमरा में अमन मार्च निकाला गया। देश भर में हो रहे वॉयलेंस और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ। सेनेट इलेक्शन को कैंसिल किया, मुंबई यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी कर दी जानकारी। आदित्य ठाकरे ने सेनेट इलेक्शन के कैंसिल होने पर उठाया सवाल, पूछा क्या वजह है ये इलेक्शन कैंसिल होने की। चिकन कड़ी में निकले चूहे के मामले में एफडीए ने मुंबई के पॉपुलर पापा पंचोदा ढाबे को बंद किया। थाने शाहपुर के सरकारी हॉस्पिटल में 800 से ज्यादा डेली पेशेंट वायरल फीवर के आ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने की बुजुर्ग महिला की मदद, घायल बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया मुंबई पुलिस के कांस्टेबल ने। ओशीवाड़ा के नित्यानंद बॉलीवुड रेस्टोरेंट और बार पर मुंबई पुलिस की एसएस ब्रांच ने की छापेमारी। 7 लड़कियों को रेस्क्यू कर 32 लोगों पर हुई कार्रवाई। संभाजीनगर में ठाकरे ग्रुप को लगा बड़ा झटका, एक्स मेयर के साथ कई लोग शिंदे ग्रुप में हुए शामिल। पालघर के वाड़ा तालुका में अपनी वाइफ पर शक होने के चलते एक शख्स ने ली अपनी ही बीवी की जान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। साउथ मुंबई के ताडियो में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को ताडियो पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस वारदात में बुजुर्ग महिला की गई थी जान। मुंबई में बढ़ते हुए डेंगू के केसेस को देखते हुए बीएमसी ने मच्छरों के ब्रीडिंग स्पॉट को नष्ट किया। करीब 10,659 स्पॉट्स को नष्ट किया गया। सिम लेने के लिए करना होगा पुलिस वेरिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया नया रूल। चाइनीज बेस्ड कंपनी से सेटलिंग टैक्स संबंधित मुद्दों को लेकर निपटाने के लिए कथित तौर पर 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने मुंबई में सीजीएसटी अधिकारी को गिरफ्तार किया। पुणे में फ्लाइट के उड़ान भरने से ठीक पहले ही पायलट हुआ बेहोश, हॉस्पिटल ले जाते वक्त हुई मौत। कांग्रेस नेता विजय वदत्तीवर ने कलवा में सरकारी हॉस्पिटल का किया दौरा। मौतें और हेल्थ केयर की देखभाल की कमियों के लिए टीएमसी की आलोचना की। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर युवक के साथ मारपीट के मामले में बांद्रा रेलवे पुलिस ने 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बिग बॉस OTT2 के विनर एल्विश यादव ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल कट्टर से की मुलाकात। ए सर्टिफिकेट और 24 कट्स के लिए सीबीएफसी की आलोचना की OMG2 एक्टर गोविंद नामदेव ने, कहा ये फिल्म अंडर 18 के लिए भी बनाई गई थी।